इस आजादी को और जनतंत्र को, गणतंत्र को कायम रखने की, संभाल के रखने की और इसको और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी आजादी के बाद की पीढ़ियों के ऊपर छोड़ के वो सब लोग चले गए। आज जब हम लोग 75 साल मना रहे हैं आजादी के और आज गणतंत्र दिवस के 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तरफ हम आजकल मीडिया में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी खूब देखते हैं, सुनते हैं कि हमारी सीमाओं के ऊपर चाइना पिछले कुछ वर्षों से हमें आंखें दिखा रहा है। आज ही देश के एक बहुत नामी गिरामी अखबार में छपा है कि चाइना ने हमारे देश की कुछ धरती, कुछ जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय, सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय। उन लोगों से, चाइना के सैनिकों से हमारे सैनिक, उनसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। एक तरफ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो दूसरी तरफ पूरे देश को, सारी सरकारों को, हर भारतवासी को हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ दें। हमारा भी फर्ज बनता है कि चाइना को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत यह बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम चाइना का बहिष्कार करें और उसको सख्त संदेश दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या किया? एक तरफ चाइना हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, और दूसरी तरफ हम चाइना से अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। 2020 में हम लोगों ने चाइना से $65 बिलियन का सामान खरीदा, $65 बिलियन का सामान खरीदा 2020 में, और 2021 में हमने $95 बिलियन का सामान खरीदा, 50% बढ़ा दिया। हम तो चाइना को और अमीर बनाते जा रहे हैं, उनसे और सामान खरीद रहे हैं, उनको और पैसा दे रहे हैं, हमारे ही पैसे से वो और हथियार खरीद रहे हैं, और सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। अगर किसी से झगड़ा हो तो हम उससे और सामान थोड़ी खरीदेंगे, और ज्यादा सामान थोड़ी खरीदेंगे। और क्या खरीद रहे हैं हम चाइना से? चप्पल खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, गद्दे खरीद रहे हैं, कुशन खरीद रहे हैं, चश्मे खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम भी बना सकते हैं, हमारे देश में ज्यादा अच्छी बन सकती है। जितनी चप्पल हम, जूते, जितने गद्दे उनसे खरीदते हैं, कुशन खरीदते हैं, चश्मे खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदते हैं, आप ये मान के चलो कि उतना ये सामान हमारे भारत में कम बनता है। अगर अपने भारत के अंदर हम ये सारा सामान क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे भारत में क्या कमी है? चप्पलें खूब बनती हैं, और बननी चाहिए। गद्दे खूब बनते हैं, कुशन खूब बनते हैं, तकिए खूब बनते हैं, मूर्तियां खूब बनती हैं, खिलौने खूब बनते हैं। ये ऐसा सामान तो है नहीं कि हमने, हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते? खूब बन सकते हैं।
और अगर हमारे देश में यह सारा सामान बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हम अपना सारा काम एक तरह से अपने बच्चों की सारी नौकरियां सारे रोजगार चाइना के लोगों को देते जा रहे हैं। अपने लोगों को अगर हम मौका दें, सारा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके, अपने व्यापारियों को, अपने उद्योगपतियों को अगर मौका दें, सारी सुविधाएं दें, तो हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर बना सकते हैं और अपने हजारों लाखों करोड़ों युवाओं को एक तरफ नौकरी मिलेगी और चाइना को कड़ा संदेश जाएगा कि हमें तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओ वरना तुम्हें हम मजा चखा सकते हैं। 6 सालों के अंदर 12 लाख व्यापारी उद्योगपति अपना देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के बाहर चले गए, अपनी व्यवस्था से परेशान होके, अपनी एजेंसी से परेशान होके, अपने व्यापारियों को उद्योगपतियों को हमने इतना दुखी कर रखा है, इतने तंग आ चुके हैं अपने देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति के अपने देश में धंधा करना मुश्किल हो गया, लोग छोड़ छोड़ के भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 12 लाख लोग पिछले 5 साल के अंदर भारत छोड़ के चले गए। अपने लोगों को, भारत के लोगों को तो हम बाहर भगा रहे हैं और चाइना से सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? भारत को आगे तो भारत के लोग ही ले जाएंगे, कोई बाहर से अमेरिका से या चाइना से आके तो अपने देश को तरक्की नहीं कराएगा। अपने देश के लोग अपने देश की तरक्की करेंगे। अपने देश के लोगों को बाहर भेजने के लिए मजबूर करने की बजाय ये समय है जब पूरी दुनिया में जितने भारत के लोग हैं अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि सारी दुनिया के भारत के लोग इंडिया आके और इंडिया की तरक्की करने लगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 चीजों पर गौर करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को, विदेशियों को खदेड़ के बाहर भेज दिया, और दूसरी तरफ जनतंत्र की स्थापना की हमारी सरकार, हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है, ये देश हमारा है, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। जनता सुप्रीम है, 130 करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है, जनता वोट डालती है, वोट डाल के अपनी सरकार चुनती है, वो सरकारें सुप्रीम है, जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं एक राज्य ऐसा है जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं। जो कानून जनता ने पास करे, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास करे, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषाओं को, जनता की कामनाओं को, जनता के कामों को रोक दे? ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक और राज्य, वहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी बनानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के? अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को यह कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा।
ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं पढ़ता हूं अखबारों के अंदर, जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्यपालों ने वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात है? इसके लिए तो हमने अपने देश की आजादी नहीं ली थी, इसके लिए तो अपने सेनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दिन ब दिन डे टू डे बेसिस पे चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देश को यह सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जनतंत्र के ऊपर भी एक डार्क काला साया पड़ता जा रहा है, उसको कैसे निपटा जाए। पूरे देश को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। दिल्ली के लोगों, दिल्ली वालों, पिछले 7-8 साल के अंदर दिल्ली में आप लोगों ने जितने काम करे, इतने विकास के काम करे, इतने काम करे, आज केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। महंगाई तो है, पूरे देश में है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, पूरे देश में महंगी होती जा रही हैं, लेकिन पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में महंगाई की दर है 3%, गुजरात में महंगाई की दर है 7%, हरियाणा में महंगाई की दर है 7.8%, 2.5 गुना दिल्ली से ज्यादा महंगाई है हरियाणा में। मध्य प्रदेश में 7.5%, मध्य प्रदेश में भी दिल्ली से 2.5 गुना ज्यादा महंगाई है। अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपए की बिकती है तो हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 250 रुपए की बिकती है। उत्तर प्रदेश में 6.8%, पूरे देश में आज सबसे सस्ती, पूरे देश में सबसे सस्ती चीजें दिल्ली में, सबसे कम महंगाई दिल्ली में। क्यों? आज दिल्ली में बिजली मुफ्त है, आज दिल्ली में पानी मुफ्त है, आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों में सारी शिक्षा मुफ्त है, आज दिल्ली में सारी सरकार स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त है। आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सारा इलाज, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। महिलाओं के लिए बसों का सफर मुफ्त है, तीर्थ यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं, तीर्थ यात्रा मुफ्त है, राशन मुफ्त है। तो खाने की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसों का सफर और तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें दिल्ली में मुफ्त हैं, जिसकी वजह से आज सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों, मेरी केंद्र सरकार से एक अपील है और इसको ये माना जाए कि शायद पूरे देश के लोगों की अपील है। पिछले एक साल के अंदर कई सारी खाने पीने की चीजें, जैसे दही, दूध और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें, गेहूं, इन चीजों के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। इनके ऊपर जीएसटी लगाने से ये सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। एक आम आदमी के लिए आज अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं होता था, अब जीएसटी लगने की वजह से ये सारी चीजें महंगी हो गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन सब चीजों से जीएसटी हटा के और देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत देगी, महंगाई से राहत देगी। जीएसटी के सिलसिले में मेरी कई व्यापारियों से भी बात होती है। आज जीएसटी जिस तरह से लागू किया जा रहा है, इसमें ढेरों कमियां हैं।
हमारे देश का व्यापारी टैक्स देना चाहता है, 99% से ज्यादा व्यापारी टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इतनी कठिन इतनी जटिल व्यवस्था हम लोगों ने बना दी कि कई बार न चाहते हुए भी व्यापारी को थोड़ा सा उल्टा सीधा करना पड़ता है। हमें ईमानदार व्यापारियों की मदद करनी चाहिए, पूरे जीएसटी के सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, सिंपल बनाने की जरूरत है, ताकि व्यापारी इजी आसानी से जीएसटी दे सकें और जीएसटी प्रणाली को लागू कर सकें। अभी 3-4 दिन पहले मैं तेलंगाना गया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुलाया था, वहां पे 4 मुख्यमंत्री आए थे। तेलंगाना सरकार ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। तेलंगाना में 4 करोड़ की जनसंख्या है, उन्होंने 4 करोड़ लोगों की आंखों का टेस्ट करवा रहे हैं। वो सारे हर आदमी, बच्चा बूढ़ा, आदमी औरत, जवान गरीब अमीर, सबकी आंखों का फ्री में टेस्ट करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिन जिन की आंखों में कुछ गड़बड़ निकलेगी और लगेगा चश्मे की जरूरत है, सरकार उनको फ्री में चश्मा देगी। बहुत अच्छी बात है। और अगर जरूरत पड़ेगी, जिन जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी, उनको सरकार फ्री में उनका ऑपरेशन करवाएगी। तो एक तरह से पूरे तेलंगाना में 4 करोड़ लोगों की आंखों का ख्याल सरकार फ्री में रखने जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और मैंने वहीं ऐलान किया मैं दिल्ली में भी इसको लागू करूंगा। दिल्ली के अपने 2-2.5 करोड़ लोगों की सबकी आंखों का फ्री में हम टेस्टिंग कराएंगे, फ्री में चश्मे देंगे, फ्री में उनका ऑपरेशन कराएंगे। मुझे लगता है हमें सब लोगों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। आज तेलंगाना ने यह काम करा, हम सीख के आए, हम दिल्ली में करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने भी वहीं पे ऐलान करा कि पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब यहां पे मोहल्ला क्लिनिक देखने आए, उन्होंने वहां जाके उसको चालू किया। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखे, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जाके अपने सरकारी स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए। मेरे को याद है बचपन से 10वीं क्लास से सुनते थे, 10वीं क्लास से जब बच्चे होते थे तब से सुना करते थे, केरला में स्कूल बड़े अच्छे हैं, केरला में हेल्थ सिस्टम बड़ा अच्छा है। मेरे को ये नहीं समझ आया यार, इतने सालों से केरला में हेल्थ और स्कूल अच्छा है, तो उनसे सीख के बाकी देश में हम लोगों ने क्यों नहीं कर लिया अभी तक? हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते? मैं जैसे जैसे जितना जितना देश में घूम रहा हूं, मेरे को लग रहा है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे देश के किसी ना किसी राज्य ने, किसी ना किसी गांव ने ना निकाल रखा हो। हर समस्या का समाधान निकाल रखा है हम लोगों ने। किसी समस्या का समाधान तमिलनाडु ने निकाल रखा है, किसी का मध्य प्रदेश ने निकाल रखा है, किसी का वेस्ट बंगाल ने निकाल रखा है, किसी का असम ने निकाल रखा है, लेकिन हम आपस में सीख ही नहीं रहे। आपस में सीखेंगे सारे देश की सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है, पर हम आपस में सीख नहीं रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं हम जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर? सारी राज्य सरकारों से लड़ रहे हैं, किसी को काम नहीं करने देते, सारी राज्य सरकारों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं, स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, व्यापारियों से लड़ रहे हैं, उद्योगपतियों से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्यार और मोहब्बत के साथ सारे एक दूसरे से सीखें और पूरा देश 130 करोड़ लोगों का देश एक होके काम करे, तो हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। पिछले 7 सालों में आप लोगों ने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों ने कमाल करके दिखाया है,
और मैं अब आप लोगों को कई सारी खुशखबरियां देना चाहता हूं। ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार ने बहुत सारे सर्वे कराए हैं, कई सारी स्वतंत्र एजेंसीज ने बहुत सारे सर्वे कराए हैं और उनकी फाइंडिंग है। पहला, दिल्ली देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप अब पूरे देश में दिल्ली में शुरू होने हो रहे हैं। पिछले साल 5000 से ज्यादा स्टार्टअप्स दिल्ली के अंदर हुए। पहले बेंगलोर देश का नंबर वन स्टार्टअप कैपिटल था, अब बेंगलोर हमसे पीछे चला गया। पिछले साल दिल्ली में 5000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए, बेंगलोर में 4514 स्टार्टअप शुरू हुए। दिल्ली देश की ईवी कैपिटल बन चुका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे देश में आज दिल्ली में बिक रहे हैं। पहले कर्नाटका ईवी कैपिटल था, अब कर्नाटका नंबर टू आ चुका है, दिल्ली नंबर वन बन चुका है। जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं दिल्ली में 10.2% दिल्ली में जो नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, और कर्नाटका में 6.3% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। दिल्ली देश का ग्रीन कैपिटल, मेगा सिटीज के अंदर ग्रीन कैपिटल बन चुका है। जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली में आज प्रति व्यक्ति पर कैपिटा 9.6 स्क्वायर मीटर एरिया में पेड़ या वन है। प्रति व्यक्ति 9.6 स्क्वायर मीटर एरिया में पेड़ हैं या वन है दिल्ली के अंदर। हैदराबाद में 8.2 है, बेंगलोर में 7.2 है, मुंबई में 5.4 है, चेन्नई में 2.1 है, अहमदाबाद में 1.2 है। पूरे देश में बड़े शहरों में सबसे ज्यादा पेड़ और सबसे ज्यादा वन दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी है। दिल्ली देश की एजुकेशन कैपिटल बन चुका है। कुछ स्वतंत्र संस्थाओं ने सर्वे करवाया था देश के सारे सरकारी स्कूलों का। पूरे देश में जो टॉप के 10 सरकारी स्कूल हैं, पूरे देश में टॉप के 10 सरकारी स्कूलों में 5 सरकारी स्कूल दिल्ली के हैं। टॉप के 10 में 5 सरकारी स्कूल दिल्ली के हैं, बहुत बड़ी बात है, देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज आपकी सरकार अपने पूरे बजट का 25% हर साल, पिछले 8 साल से हर साल 25% शिक्षा पे खर्च करती है। पूरे देश में शिक्षा पे खर्च होने वाला यह सबसे ज्यादा बजट है। कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार इतना बजट शिक्षा पे खर्च नहीं करती है। पिछले 7 सालों के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, 21% बढ़ोतरी हुई है गवर्नमेंट एनरोलमेंट में, गवर्नमेंट स्कूलों के। हमारी सरकार बनने के पहले 14.5 लाख बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, आज 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार है। पहले दिल्ली में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे जो आते थे 80-82% बच्चे ही पास होते थे। पिछले साल 99.7% बच्चे पास हुए हैं, 99.7% बच्चे। प्राइवेट स्कूलों से 6% ज्यादा बेहतर नतीजे आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। हमारी दिल्ली देश का हेल्थ कैपिटल बन चुकी है। सबसे ज्यादा डॉक्टर आज दिल्ली के अंदर हैं, केवल अपने देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी सबसे ज्यादा डॉक्टर आज दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली में 1000 लोगों पे 3 डॉक्टर हैं, ये अमेरिका से ज्यादा है, इंग्लैंड से भी ज्यादा है, कनाडा से भी ज्यादा है,
जापान से भी ज्यादा है, वहां पे 2.5 के नीचे नीचे हमारे 3 से ज्यादा डॉक्टर है प्रति हजार। हमने बड़े बड़े देशों को, दिल्ली के लोगों ने बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं, सबसे ज्यादा। पिछले कुछ सालों में आपकी सरकार ने 2.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। आज दिल्ली में पर स्क्वायर माइल, प्रति स्क्वायर माइल 1826 सीसीटीवी कैमरे हैं। ये लंदन से ज्यादा है, सिंगापुर से ज्यादा है, पेरिस से ज्यादा है, न्यूयॉर्क से ज्यादा है, वॉशिंगटन से ज्यादा है। बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया आपकी दिल्ली में। जब मैं छोटा बच्चा था, एक पिक्चर आई थी उन दिनों में, उसमें एक गाना था, इसको हराया तो क्या किया, उसको हराया तो क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। मतलब कि ऐरे गैरों को हराने से क्या फायदा, बड़े बड़ों को हराओ तो जाने। आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। भगवान करे हमारी दिल्ली ऐसे ही तरक्की करती रहे, हमारा देश तरक्की करे और हम सब 130 करोड़ भारतवासी मिलके एक साथ अपने देश को आगे ले जाएं। एक बार फिर से आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय।